हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है महाशिवरात्रि और इनकी शुरुआत हो गई है। सो जैसे कि अभी मैं काम वगैरह ही कर रही थी, अंश के पापा को चाय वगैरह बना के दे दी है। मैं फास्ट तो नहीं रहूँगी, बट सोच रही हूँ कि पूजा नहा धो के पूजा करके तभी चाय वगैरह पीऊँ। सो अभी मैं काम करने लगी हूँ। रात को है ना, थोड़ा मैं सो गई थी, जल्दी आँख लग गई तो किचन में बर्तन वर्तन ऐसे पड़े हुए थे, तो अभी मैं धुल रही हूँ बर्तन थोड़ा। और अंशी के पापा की जैसे कि ड्यूटी है तो ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा। सो अंशी के पापा की ड्यूटी है और मैंने जल्दी जल्दी के लिए दाल रख दी है बनने, तो अभी दाल बन रही है और बर्तन धुलना है मुझे। अंशी अभी बाहर खेल रही है थोड़ा। सो चलो चलते हैं किचन में। तो जब तक मैं इधर बर्तन धुल रही थी, तब तक अंशी के पापा ने मेरे लिए प्याज टमाटर काट के रख दिया। सो मैं जा रही थी नहाने, बट नहाने में बहुत लेट हो रहा था और अंशी के पापा को ड्यूटी भी जाना है, इस वजह से पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। सो यहाँ पे मैं लगाई थी दाल में तड़का और आज खाना बनाने में लेट हो गया, इसलिए अंशी के पापा ने तैयार भी हो गए, वर्दी वर्दी पहन ली तो खाना खा रहे थे वो अभी। आज यार पता ही नहीं चला कैसे इतना लेट हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ड्यूटी भी जाना है। ये शायद सोने के लिए हो गई है। लो पकड़ो, अभी सुला रही हूँ। अंशी सोने के लिए रो रही है। सोना है क्या? सोने के लिए सोना है। बाय कर दो पापा को, बाय करो, पैक कर दो पापा को, पैक करो। सोना है इसको। सो जाओ। सोचा था इनके साथ में क्या क्वार्टर का टूर लेके आऊंगी, बट था ही नहीं। आज हम थोड़ा लेट उठे थे सुबह सो के, अब मैं खुद ही बना लूंगी, जैसे तैसे भी बनेगा बनेगा तो थोड़ा बहुत। ठीक है बाय बाय कर रही है ऐसे तुम। इसको सोने की पड़ी है ना, इस वजह से बाय कर रही है। अंशु थक गया ना, घूम घूम के मम्मा काम में लगी हुई थी सुबह से। पता ही नहीं चला कहाँ से इतना सारा काम आ गया और बहुत लेट हो गया। अभी देखो मैंने रोटी के हाथ भी नहीं धुले। अब अंशी भी रोने लगी थी, अंशी के पापा भी ड्यूटी के लिए लेट हो रहे थे। 11:30 बज गया है और वो चले गए अभी ड्यूटी। अभी अंशी को सुलाना है, उसके बाद मैं नहाऊंगी फिर पूजा करूंगी। और मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा हाय करो, हाय। देखो अभी सोने के लिए रोएगी। पता नहीं चला यार आज लेट कैसे हो गया इतना सारा, बट हाँ आज हम थोड़ा लेट भी उठे थे, 7:30 पे हम लोग उठे थे। तो चलो मैं ना अंशी को सुला के फिर मिलती हूँ, फिर बात करते हैं, नहीं तो अभी ये रोएगी। चलो सुलाती हूँ तुमको। है सो अंशी को मैंने सुला दिया है, ये सोने के लिए ही रो रही थी क्योंकि 11:30 बजे तक इसका दोबारा से सोने का टाइम हो जाता है। इसको खाना वाना तो मैंने दाल बनाई थी ना, तो वही इसको दाल खिला दी थी। इनको सुला रही थी मैं, बट इनको सोना नहीं है। अंशी सो जैसे कि लेट तो मैं हो गई हूँ, बट अब अंशी भी सोने वाला नहीं सो रही है। सो मैं जाती हूँ, सबसे पहले नहा के आती हूँ, फिर मैं पूजा कर लूँगी क्योंकि व्रत तो मैं नहीं रह पाऊँगी शिवरात्रि का। मैं सोच रही थी रहूँगी, बट ना अभी प्रेगनेंसी में ऐसा आदत है कि कुछ ना कुछ मुँह में डालते रहना है, तो फिर वही फिर लगता है कि गलती से कुछ खा लिया तो फिर। अभी मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्री, पूजा वगैरह भी कर ली है मैंने। अंशी अभी तक सोई नहीं, अंशी के पापा ड्यूटी गए थे बट वो सोई नहीं, थोड़ा सा अब शायद 5 मिनट के लिए भी सोई होगी,
उसके बाद तुरंत ही जग गई। सो अभी वो भी मेरे साथ नहाई है और अब मैं थोड़ा सा कुछ खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं शूट करूंगी हमारा क्वार्टर का टूर। आप लोग बोल रहे थे कि दी अपना होम टूर करवाओ कि कैसा क्वार्टर है, फिर आप चले जाओगे किसी को लेकर। तो फिर मैं काफी दिन से सोच रही थी कि मैं शूट करूंगी बट ना वही टाइम नहीं हो पाता, मिल पाता, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ निकल आता है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि आज डाल ही दूंगी फाइनली, क्योंकि फिर अब दिन भी नहीं बचे हैं, फिर हम लोगों के जाने के दिन भी आ जाएंगे। तो चलो शुरू करती हूँ मैं अपने क्वार्टर का होम टूर और आपको बताना कि कैसा लगा। तो आप लोग बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा मेरे घर का, मेरे क्वार्टर का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है अपना किचन और मैं उसको बड़े अच्छे से रखती हूँ, मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा था हंसी के पापा के साथ अच्छे से शूट करूँगी, वो शूट करेंगी और मैं पूरा अपना घर दिखाऊंगी, क्वार्टर दिखाऊंगी। बट अगर उनके चक्कर में रहूंगी तो सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी गोलगप्पे चैलेंज चालू था, वो भी उनकी वजह से अटका पड़ा हुआ। कभी ड्यूटी ऐसी होती है कि उनको टाइम नहीं मिलता, फिर टाइम होता है तो फिर उनको आराम करना होता है और तब अच्छा लगता है। अंशी के पापा बनाते जाते हैं और मैं दिखाती अपना घर। मैंने सोचा था इस टाइप से, सोचा था कि अंशी के पापा कैमरा पकड़ेंगे, कैमरामैन मेरे वो बन जाएंगे, बट अभी मैं खुद ही करती हूँ। सो चलो जैसा भी हो एडजस्ट कर लेना और बताना कि कैसा लगा। सो चलो शुरू करते हैं। सो ये है मेरे क्वार्टर का बाहर का लुक। इधर रखे हुए हैं अंशी के पापा के शूज और मेरे कुछ शूज हैं, सैंडल वगैरह हैं बस। उधर भी एक क्वार्टर है, ये है हमारा। उधर सामने एक आंटी रहती है, वो सामने एक आंटी रहती है, वो आंटी का घर है। और ये सारा एरिया है, वो अंशी का पार्क है, देखो वो है अंशी का पार्क, अंशी वहाँ पे जाती है घूमने के लिए। सो चलो लेके चलती हूँ अपने रूम में। और ये है बेल, लाइट यहाँ की अभी ख़राब हो गई है। सो एंटर करते हैं। ये है हमारा पर्दा। सो चलो ये है हमारा फर्स्ट रूम, मतलब कि इसको हम हॉल भी बोलते हैं। और ये मेला नंगू पुंगू आ गया अंशी, इसको एंटर करते ही सबसे पहले मैंने हम लोगों ने बनाया था मंदिर, क्योंकि गेट पे आते जाते तो अच्छा लगता है मंदिर से, मंदिर के सामने हाथ वाथ जोड़ के जाना। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूजा की थी। और ये है मंदिर, ये बीच में भी एक लगा हुआ था बट हमने निकाल के ना बड़ा सा मंदिर कर लिया। और ये मंदिर नीचे अंशी के खिलौने रखे हुए हैं, टेडी बियर्स वगैरह, ये खेलती तो है नहीं और बस इसमें सजा के रख देती हूँ। सो ये और ये है इधर अंशी के पापा का वर्दी का पूरा पोर्शन है, क्योंकि उनको उनकी हर चीज़ मैं एक जगह पे ही रखती हूँ, क्योंकि वो मांगते रहते हैं ये कहाँ है मेरा, वो कहाँ है। तो उनकी कैप वगैरह, बेल्ट्स वगैरह और उनकी जो भी वर्दी का जो भी सामान है। और हाँ, मैंने ये भी यहाँ पे रख दी है ना, जो ऑयल वगैरह, क्योंकि वो कहीं भी चाहे उनकी आँखों के बिल्कुल जस्ट सामने भी रख दोगे ना, बट फिर भी पूछना ज़रूर है उनको। इस वजह से यहाँ पे वो नहा के आते हैं तो ऑयल वगैरह यहीं पे लगा लेते हैं, सब कुछ करते हैं फिर। और उनकी वर्दी वगैरह ये यहाँ पर है, सब एक जगह पे उनको मिल जाता है तो फिर वो पूछते नहीं है मुझसे। साउंड रखे हुए नीचे, इधर ही सामने मैं पानी की बॉटल्स भी रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार पानी भरना फिर वो लगता है। और यहाँ पर कुछ स्लीपर्स रखी हुई है जो कभी कभी पहनते हैं, और अंशी के शूज़ हैं और सैंडल हैं। ये पानी की बॉटल खाली हुई रखी हुई है अभी। और ये है हमारा, ये मैंने स्टिकर खुद ही लगाए थे जब मैं आई थी यहाँ पर, तो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाए थे और स्टिकर यहीं पे लगाए थे, बहुत सुंदर। और ये है मेरा मेकअप का, मेकअप का नहीं बस इसमें कंघे वगैरह डाल देते हैं इसमें। और ये दिख रही हूँ मैं, सो ये हूँ मैं। सो चलो आपको लेके चलती हूँ दूसरे रूम में। दूसरे रूम में अंशी बैठी हुई है और टीवी चल रही है। सो आप लोग बताना कि कैसा लगा। और वो है गेट, हमारा मेन गेट। चलो पर्दा डाल देती हूँ यहाँ पे, अभी अच्छे से दिख रहा है। ये लाइट्स भी बंद कर दूँ। ये वैसे मोस्टली लोग मेरा देख चुके हैं घर क्वार्टर, बट फिर भी मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ, फिर हम चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आना होगा। चलो लेके चलती हूँ आपको दूसरे रूम में। ये है अंशी, अंशी खड़ी हुई है, टीवी देख रही है। क्या देख रही है?
सो ये है मेरा रूम, बेडरूम जिसमें हम लोग सोते हैं, और वो है मेरा पांडा जो कि मैं यहाँ पर आई थी तो अंशी के पापा ने फर्स्ट करवा चौथ पे मुझे दिलाया था। ये अंशी ने टॉवल डाल दिया अभी, और ये है साइकिल है, बट अभी करते नहीं है, बट हाँ हम इसको लेके जाएंगे साथ में क्योंकि अभी ये बहुत काम आएगी बाद में जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, उसके बाद काम आएगी। अभी जब हमने ली थी तो उसके बाद अंशी को कंसीव किया था, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसके बाद अभी सोचा था कि मैं यूज़ करूँगी इसका, बट फिर से अगेन हो गया तो फिर टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से अभी इसको रखा है, इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया क्योंकि उधर बाहर रखी हुई थी तो अंशी इसको चलाती थी, और इधर वो पीछे खिड़की है उसमें एसी रखी हुई है बट अभी वो बंद है, अभी हमने एसी बंद कर रखी है, देखो दिखाती हूँ, वहाँ पर एसी रखी हुई है बट अभी ये बंद है। और ये है हमारी अलमारी, इधर जो अंशी से बचा के रखने वाला सारा सामान मैंने इधर रख के रखा है, और इधर है मैं और अंशी के पापा हमारी पिक्चर्स। क्या हुआ? चलो क्या कहाँ चलना? चलो इधर। अच्छा ये वो सोच रही है इधर कुछ चीज ही रखी होगी क्योंकि इसके पापा रखे जा, कुछ नहीं है बाबू, आज कुछ नहीं रखे गए पापा। हाँ कुछ नहीं है, पापा को मारेंगे है ना। हाँ नहीं है, कुछ नहीं है। ये है मेरा बेडरूम, सो ये है, ये पूरा लुक है, ये चारपाई यहीं पे खड़ी रहती है फोल्डिंग क्योंकि अंशी के पापा इस पे सोते हैं, और ये बेड है इस पे मैं और अंशी ज़्यादातर सोते हैं, और टेडी है। अंशी के पापा को ड्यूटी से ये मिला था बॉक्स, इसमें अंशी के कपड़े सारे भरे हुए हैं, और ये ऊपर कंबल वगैरह है थोड़ा जो मैं नाइट में हम ओढ़ते हैं, और ये है मेरी अलमारी, ये भी पूरा भरी हुई है कपड़ों से, और इधर भी ये पूरा भरा हुआ है सारा कपड़ों से, कुछ तो मैंने पैक भी कर रखे हैं तो उस वजह से, वैसे काफ़ी सारे लोग देख चुके हैं मेरी किचन वगैरह को, बट फिर भी एक बार मैंने सोचा कि फुल पूरे तरीके से अच्छे से करवाती हूँ, कैसा लगा आप लोग बताना, ठीक है। तो चलो अभी हम आपको लेके चलते हैं अपनी किचन में, और अंशी रो रही है, अंशी किचन में जाने के लिए ही रो रही है, तो चलो इधर से एंटर करते हैं, पर्दा हटाओ अंशी, पर्दा हटाओ, और हाँ इधर से एंटर करते हुए ये है बाथरूम, तो बाथरूम खोल के दिखाती हूँ, ये है हमारा बाथरूम, छोटा सा गीजर लगा हुआ है हमारे बाथरूम में, अंशी गर्म पानी से नहाती है, और बस यही छोटा सा बाथरूम है, इसके पास ये इसको क्या दिखाऊं, ये है वॉशरूम, और ये बैक साइड का गेट है बट इसको मैं खोलती नहीं हूँ, वो स्लीपर्स रखी हुई है वॉशरूम जाने के लिए। ये हमारा किचन, और इधर इस बकेट में हमने थोड़ा सा सामान रखा है, बिस्किट वगैरह जो भी अंशी खाती है ना, तो और ये है सारे डिब्बे वगैरह है छोटे मोटे जो भी है क्वार्टर वाले समझ सकते हैं, बर्तन वगैरह है, मिक्सी वगैरह है, और उधर की साइड भी कुछ अचार के डिब्बे वगैरह रख रखे हैं मैंने, और इधर बड़े बड़े बर्तन रखती हूँ मैं, और ये छोटे मोटे से बर्तन हैं, और यहाँ पर ये घी है और इसमें चीनी रखी रहती है, इसका है ना ऊपर का जो ढक्कन था ना वो अंशी ने तोड़ दिया, यही सब है, छोटा सा घर है बस, बट सुकून बहुत मिलता है मुझे यहाँ पर। और ये है, इसमें सिलेंडर रखा हुआ है, ये ना देखने में अच्छा नहीं लगता था इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया, और इधर सिलेंडर है, इधर ये मार्केट वगैरह जाते हैं अंशी के पापा तो ये थैले वगैरह मैं रख देती हूँ इसी में, और ये सिलेंडर है इधर, इसमें काफ़ी सारे कपड़े ठुसे हुए हैं क्योंकि मैं मेरे को चाहिए रहते हैं कपड़े हमेशा, और उधर वो छोटा सा डस्टबिन है, और इधर रखी है सबसे फर्स्ट में पानी की टंकी रखी हुई है, अंशी पता नहीं क्या ढूंढ रही है, तो चलो चलते हैं फिर से हम अपने मेन रूम में। ये देखो इसने कितना फैला दिया, देखो पता नहीं क्या हो गया आज, ये सोने का नाम नहीं ले रही है,
हमारा छोटा सा क्वार्टर का टूर वीडियो। आप लोग बताना कि कैसा लगा आपको, और छोटा सा नहीं है बट हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है, ये काफ़ी है हम लोगों के लिए, इनफ है। और सबसे बड़ा सुकून यहीं पर मिलता था, और अभी हम लोग चले जाएंगे तो याद आएगी इसकी, बहुत ज़्यादा याद आएगी। सो बताना कि कैसा लगा, जैसा भी है, छोटा मोटा जैसा भी है। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो देखा होगा मैक्सिमम, बट पूरी तरह से मैंने आज दिखाया है। और टिकटॉक पर दिखाया था फर्स्ट टाइम जब हम लोग आए थे, तब से लेके अभी तक बहुत चेंज हो गया है इस क्वार्टर में, घर में मैंने बहुत चेंज किया है। और अब कुछ दिन बाद ही हम लोग चले जाएंगे बस क्वार्टर छोड़ के, फिर बस यही वीडियो देखा करूँगी मैं कि हमारे हम फर्स्ट क्वार्टर था हमारा वो कैसा था, हम लोग कैसे रहते थे। सो चलो आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग में। कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताना, और अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, सब कुछ कर देना।